नमस्कार, विदेश की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश। और खबरों में सबसे पहले बात करेंगे अमेरिका की, जहां पर अमेरिका ने कहा है कि तालिबान के नए नेता के पास शांति चुनने और अफगान नीति शांति वार्ता में शामिल होने के लिए बातचीत के जरिए समाधान तलाशने की ओर काम करने का अवसर है। विदेश मंत्रालय के उप प्रवक्ता मार्क टोनर ने बुधवार को अपने सम्मेलन में कहा कि हम उम्मीद करते हैं कि वह इस मौके का फायदा उठाएंगे। जापान के हिरोशिमा क्षेत्र में गुरुवार को दो दिवसीय G7 शिखर सम्मेलन का आगाज हो गया है। इस सम्मेलन में कई देशों के दिग्गज शिरकत कर रहे हैं। रिपोर्ट के अनुसार शिखर सम्मेलन की बैठक में G7 देशों के प्रमुख अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा, फ्रांस के राष्ट्रपति फ्रांसवा ओलांद, जर्मनी की चांसलर एंजेला मर्केल, कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो, इटली के प्रधानमंत्री मत्तेओ रेंजी और जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे शिरकत कर रहे हैं। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की चीन के शीर्ष नेतृत्व की बातचीत से पहले सरकारी मीडिया से बुधवार को कहा कि पश्चिमी मीडिया ईरान के चाबहार बंदरगाह को लेकर एशिया के इन दो प्रमुख देशों के बीच प्रतिस्पर्धा का हवा खड़ा कर रहा है। समाचार एजेंसी के अनुसार भारतीय राष्ट्रपति की चीन यात्रा से दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों के विकास में नया अध्याय खुलने वाला है और क्षेत्रीय शांति और स्थिरता के लिए सार्थक नतीजे आएंगे। जर्मन पुलिस को एसएन स्थित गुरुद्वारे पर किशोरों के एक समूह द्वारा बम हमला करने की योजना बनाने की सूचना विस्फोट से कई सप्ताह पहले ही मिल गई थी। स्थानीय मीडिया ने आज दावा किया है कि संदिग्धों में से एक की मां ने इसकी सूचना पुलिस को दी थी। दुनिया में सबसे अधिक आबादी वाले देश चीन ने ट्रैफिक समस्या से निजात पाने का नया तरीका खोज निकाला है। चीन के टेक एक्सपो में इंजीनियर्स ने नई ट्रांजिट एलिवेटेड बस यानी कि टीईवी का डिजाइन पेश किया। इस एलिवेटेड बस में 1200 यात्री एक बार में सफर कर सकते हैं, मगर इसके बावजूद ट्रैफिक की समस्या नहीं होगी। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। ईएमएस टीवी की सारी खबरें अपनी वेबसाइट के साथ साथ फोन पर भी देख सकते हैं। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। मध्य प्रदेश की लड़कियों को हमारी सरकार पढ़ाएगी। लड़की पढ़े, समाज बढ़े। आओ बनाएं अपना मध्य प्रदेश। 5-10 नहीं, सिर्फ 100% बेटर को कहते हैं बेस्ट। नया डेटॉल गोल्ड, इसका एडवांस्ड फॉर्मूला आम एंटीबैक्टीरियल साबुन के मुकाबले में दे 100% बेटर प्रोटेक्शन, यानी बेस्ट प्रोटेक्शन। मैं मानू सिर्फ डेटॉल का धुला।